नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। आपको दोस्तों स्वागत है एक और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूं गाइस। आज हम बात करने वाले सोकर के बारे में। हमारी जो एक्टिवा के अंदर जो दिक्कत आ रही होती है उसका जो सोकर है वो ख़राब हो चुका है बिल्कुल ही। और जब हम चलते हैं रोडों पर या एक या दो बंदे से बैठते हैं तो सोकर जो है वो इस तरीके से करते हैं, घट 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 इस तरीके से काम करते हैं वो। एक जो स्मूथली काम करना चाहिए वो नहीं करते, उसके अंदर एकदम से जो जंपिंग है वो इस तरीके से काम करते हैं, ढक 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 ढक। तो उसकी वो सोकर हम चेंज करेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोकर चेंज कैसे करते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करते, हम अपनी करेंगे वीडियो स्टार्ट। गाइज, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हो, पर गाइज यार आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते यार। क्यों सब्सक्राइब नहीं करते मुझे रीज़न बताओ, कारण बताओ। मैं इतनी सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए तो करता हूँ, और आप हो कि गाइज मुझे सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते इसके मुझे रीज़न बताओ गाइज यार, इसलिए हम सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। एक बार सब्सक्राइब करके तो देखो, आपको ऐसी टॉपिक वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, हम ज़्यादा देरी नहीं करते, अपनी वीडियो करते हैं स्टार्टअप। गाइज हम चलते हैं अपनी स्कूटी की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे ख़राब हो रखा है। बीच स्टैंड से हमने उतार लिया है और मैं आपको जो सोकर है वो चेक कराऊंगा कि जो सोकर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम इसकी जो जंप लेके काम करा के दिखाएंगे आपको, इसके जंप लो। तो आप देख रहे हो जिस तरीके से इसके हम सोकर दबा रहे हैं वो सोकर जो है एकदम स्मूथली काम नहीं कर रहे हैं, एकदम से नीचे आ रहा है, वो एकदम से झटके मार रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वो दिखाऊंगा किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सोकर दबा रहे हैं पर वो एकदम से काम कर रहे हैं, जो स्मूथली काम करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके सोकर चेंज करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सारी चीज़ें खुलेंगी। तो गाइज हमारे यहाँ पे दो बोल्ट यहाँ पे होते हैं, हम इन दो बोल्टों को खोल लेंगे, एक नीचे होता है उस बोल्ट को खोल लेंगे हम, और दो साइडों में होते हैं हमारी जो एसेसरीज होती है उनके दो बोल्ट होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे बोल्ट होते हैं वे खोल लेंगे। उसके बाद इस तरीके के यहाँ पे बोल्ट होते हैं, हम इन बोल्टों खोल लेते हैं, 10 नंबर के बोल्ट होते हैं यहाँ पे, इनको खोल लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी जो मेन चीज़ है वो सोकर खोलना हमारे को। तो उसके बाद हमारे नीचे सोकर के बोल्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सोकर का बोल्ट है इन्हें खोल लेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को खोल लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से औजार लगेंगे, जो हमारे जो कार सारे काम है सोकर चेंज करने में जो औजार लगेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे को 10 की गोटी लगेगी, 12 की गोटी, 10 की चाबी, 14 की गोटी, हैंडल और हेल्पर हैंडल, इन मतलब कि जितने भी अर्जे पुर्जे हैं नट बोल्ट हम सारे को खोल लेंगे इन औजारों की मदद से गाइस। ठीक है, हमने खोल लिया और मैं इनके बाद आपको इनका सोकर दिखा दूँगा, सोकर कौन सा चेंज कर रहा हूँ। तो गाइस हमारे पास ये गैब्रियल के सोकर मंगा रखे हमने, गैब्रियल के ये काफ़ी अच्छे चलते हैं, इंडोरेंस के भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर, और जैनवन तो जैनवन लगते हैं, आप गैब्रियल के भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे सोकर मिल जाएंगे गैब्रियल के अंदर के। तो जैसे कि आप देखते, तो मैं आपको इसकी MRP दिखाता हूँ, इसमें MRP कितनी आई थी, मुझे कितने के सोकर पड़े थे गाइज। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ये रेट दिख रहा होगा इस पर आपको गाइज, इसकी नई प्रिंट आ रखी है तो ये मार्केट से लिख रखा है 845 रुपये। तो मुझे इस पर डिस्काउंट मिल गया, 800 रुपये का मुझे मिल गया था गाइज। ठीक है, तो मुझे इसका डिस्काउंट मिल गया था। तो अब जितनी ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, अपने स्टार्ट करता हूँ सामानों को, और मैं एक बार सोकर निकाल के दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो आप देख सकते हैं आपको ये सोकर दिख गया होगा, और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे फोकस कर रहा होगा, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे भी गैब्रियल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है गाइज, और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बता रहा हूँ, जैसे कि मैं काफ़ी पुराना मार्कर है, इस पर तो 20/7/2021 का ये सामान है। ठीक है गाइज, तो हम ज़्यादा देरी नहीं, तो हमारी जो साइड की एसेसरीज थी हमने इसके अंदर खोल दी, जैसे कि आप देखते थे हमने ये खोल के साइड में रख दिया है। मैं आपको अब चीज़ अभी हमारा जो टापा है इसके हमने अंदर के जो बोल्ट थे वो भी खोल लिए हैं। तो ठीक है, तो आपको इसके अंदर तार मिलेगी, जो पीछे जो बैकलाइट इंडिकेटर की जो तार होती है, जो लाइट होती है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इनके यहाँ से आपको तार हटा देनी है, सॉकेट होता है यहाँ पे, इस सॉकेट को भी हटा देना है गाइज। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को जो सीट की जो वायर है, आपको उसकी सीट की वायर भी हटा देनी है। अगर ये सीट की वायर आप नहीं हटाएंगे तो आपकी तार टूट जाएगी, और जो सीट लोगे वो नहीं लगेगा सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हम इस तार को भी हटा देते हैं यहाँ से। अब हमने इसकी जो सीट की जो तार थी वो भी उठा दी, हमने इसे साइड में रख देते हैं। अब देख सकते हैं आप इस तरीके से इसके साइड में रख दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, जो यहाँ पे जो सीट की जो वायर थी वो भी हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से हटा दी गाइस। हमारा जो काम है उसके हमारे सोकर खोलने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोकर के बोल्ट खुल जाएंगे आपको इसी तरीके से, आपको यहाँ से 14 नंबर का 14 गोटी हैंडल से बोल्ट खोल देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे 12 नंबर का गोटी हैंडल से बोल्ट खोल देना है, 12 की T गोटी से गोटी हैंडल से इनको बोल्ट को खोल देना है। तुमसे सबसे पहले 14 नंबर का ऊपर वाला खोलते हैं गाइस।
अब हमारा ऊपर वाला जो बोल्ट है वो खुल चुका है, अब इसी तरीके से हम नीचे वाला जो बोल्ट है हम उसको भी खोल लेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। आपको फिल्टर विल्टर बॉक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ईजी तरीके से आपका खुल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारा ये भी खुल चुका है अच्छी तरीके से, और ये बिल्कुल इजी तरीके से बाहर निकल गया हमारा सोकर। आप देख सकते हैं कितने बिल्कुल बढ़िया तरीके से खुल चुका है। इसका जो सोकर की जो लेंथ थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, हम आपको जो नया वाला सोकर वो दिखाते हैं। अब इसके बाद हम आपको इसके जो सोकर की जो फिटिंग है वो करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको दिखा देता है इसके अंदर बिल्कुल बुझ बढ़िया अच्छी तरीके से लगे पड़े हैं। तो हम सबसे पहले 14 नंबर वाला ऊपर वाला बोर्ड लगाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमने वो खोला था, तो हम उसके ऊपर वाला बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो हम उसे फटाफट लगा लेते हैं, फिर उसको टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। हमने ऐसे ही ऊपर वाला जो बोल्ट था वो लगा दिया है, इसी तरीके से हम नीचे वाले बोल्ट को लगाएंगे। जैसे कि आपको फोकस करके दिख रहा होगा, 12 की टी गोटी से हम उस बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे उसके अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। और जब आप इसको लगाएं तो आप जो इसका नीचे वाला जो बुश है उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर ले कि वो ठीक है या ख़राब है, क्या है क्या नहीं है। आपको हल्का हल्का अप डाउन करके रखना है सोकर को, नीचे ऊपर करना है, इस तरीके से लगेगा। अब इसका जो सोकर जो था वो कंप्लीट लग चुका है, बिल्कुल आपने ऊपर से नीचे देखा है अप डाउन लग चुका है। अब इसके अंदर जो पूरी बॉडी वोडी है बिल्कुल कंप्लीट फिट कर देंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। तो हम इसे फिट विट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। जब आप इसे यहाँ पे फिट करते हो, इसे रबड़ होती है, वो रबड़ लगी रहनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें जो सीट का जो लॉक है उसे भी आप अच्छी तरीके से लगा देने, जो वायरस की वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा देनी है। ठीक है, तो हम इसको फिट करते हैं, उसके बाद जो हमारी जो रबड़ है उसको सेटिंग पे रखते हुए करेंगे सेट। जो हमारी जो कार्डी थी, जो हमने जो सोकर था वो जो चाला था वो चेंज हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट तरीके से, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिटिंग विटिंग हो सकी है सारी की सारी। अब मैं आपको इसके जो सोकर है वो चेक कराऊंगा किस तरीके से काम कर रहे हैं और पहले किस तरीके से काम नहीं कर रहे थे गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी से जो ईजी है वो ईजी तरीके से काम कर रहे हैं, काफ़ी सॉफ्टनेस दब रहे हैं, और पहले क्या हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहे थे, जो दिक्कत आ रही थी इसके अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहे थे। अब बिल्कुल ईजी तरीके से इसके अंदर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्टनेस जा रहे हैं और उसी तरीके से जो काफ़ी सॉफ्टनेस ऊपर भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं पहले तक क्या था, दबा रहे थे हम तो एकदम से घट घट की आवाज़ आ रही थी।